हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे जो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का सेकंड मैच है इंडिया वर्सेस कतर, वो आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही साथ जो सेकंड टॉपिक है सुनील छेत्री सर, जी हाँ दोस्तों, लालिगा का क्लब चाहता था कि साइन करे 39 ईयर ओल्ड कैप्टन लीडर लेजेंड सुनील छेत्री सर, बट उनका क्या रीजन था, उन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं किया, उसके बारे में बात करेंगे। एंड जो थर्ड टॉपिक है, जी हाँ, यहाँ पर बेंगलुरु FC कि जो यूथ टीम है उन्होंने इनविंसिबल्स बन चुके हैं, इनविंसिबल चैंपियंस बन चुके हैं। सो आइए जानेंगे ये वाली वीडियो में और तीनों टॉपिक के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे इस वाली वीडियो में। ओके, सो पहले बात करते हैं हमारे जो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स है जिसमें हम लोग जो हमारा सेकंड मैच है वो कतार के साथ खेलने वाले ऑन 21 नवंबर। एंड ये हमारा होम मैच रहने वाले, हम लोग खेलने वाले कलिंगा स्टेडियम जो कि है ओडिशा FC का होम ग्राउंड, तो वहां पर भुवनेश्वर में खेलने वाले। एंड ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई टिकट सोल्ड आउट हो चुका है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल जैम पैक स्टेडियम रहेगा। 15,000 का कैपेसिटी है वो स्टेडियम का, सो आप देख सकते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा फैंस आएंगे वहां पर। बट हम लोग ये मैच कहां पर देख सकते हैं, इंडिया वर्सेस कतर जो कि 21 नवंबर को होने वाला है 7 बजे। तो जो न्यूज है, ठीक है, अगर आपको पता रहेगा जब भी हमारा किंग्स कप या मेडिका कप आ रहा था तो तभी ऐसी न्यूज आई थी कि जो भी इंडिया के होम मैचेस है वो जियो सिनेमा या तो आप बोल सकते स्पोर्ट्स 18, ठीक है, स्पोर्ट्स 18 टेलीकास्ट कर सकता है और साथ ही साथ फैन कोड। तो अभी तक अगर आप देखोगे जैसे जो न्यूज है, ठीक है, ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, बट जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये आ रही है कि भाई आप इंडिया से कतर का जो मैच है वो हम लोग देख सकते हैं स्पोर्ट्स 18। अगर आपको टीवी पे देखना है, आप स्पोर्ट्स 18 टीवी का जो चैनल है उसके ऊपर आप देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको मोबाइल या तो लैपटॉप पे देखना है तो आप फैन कोड ऐप या तो वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। फैन कोड का सिर्फ एक यही है कि मसला यही है कि आपको 15-25 रुपीज शायद से भरने पड़ेंगे वो मैच देखने के लिए, बट अगर आपके पास स्पोर्ट्स 18 है टीवी चैनल तो उस पर आप देख सकते हो। तो ये अपडेट है और जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग को ऑफिशियल अपडेट एक दिन पहले मिलता है, जैसे कि इंडिया से स्क्वेड के दिन पे मिला था, तो इंडिया से स्क्वेड का जिस मैच था तो उसके पहले रात को हमें अपडेट मिला था कि भाई सोनी लिव एंड सोनी 10-2 पे दिखाई देगा मैच। तो वैसे ही आप देख सकते हो कि जो ऑफिशियल न्यूज है वो मुझे लगता है कि 20 नवंबर तक आई जाएगी कि आप हम लोग इंडिया से कतर का मैच कहां पर देख सकते हो। बट अभी तक जो न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि भाई स्पोर्ट्स 18 और फैन कोड ऐप पे देख सकते हो। एंड बाकी तो हम सबको होता है कि जो भी लिंक्स रहते हैं, ठीक है, जो भी इलीगल लिंक्स रहते हैं epicsports.com सब जो रहते हैं उसके ऊपर तो अपन डेफिनेटली देख ही पाएंगे। तो अभी बात करते हैं, ये तो हो चुका हमारा फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का जो सेकंड टॉपिक है, यहाँ पर हमारे कैप्टन लीडर लेजेंड पे है। एंड ये जो न्यूज जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले ये वाली वीडियो में, तो ये सुन के ऐसा लगता है कि नहीं भाई 39 ईयर ओल्ड कैप्टन लीडर लेजेंड स्टिल इन डिमांड भाई। तो बाहर की क्लब लालिगा की क्लब भाई चाहती है कि भाई सुनील छेत्री सर साइन करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लालिगा का जो सेकंड टायर क्लब है उन्होंने इंक्वायरी की थी ये ट्रांसफर विंडो में कि भाई सुनील छेत्री सर क्या अवेलेबल है, हमको साइन करना है। थोड़ी इंक्वायरी की थी कि भाई ना क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या वो आना चाहते वगैरह, बट उसका जो रिस्पॉन्स था वहां पर हमने जो कैप्टन लीडर लेजेंड है उन्होंने ये कहा कि नहीं यार आई एम फुल्ली कमिटेड टू बेंगलुरु FC। एंड ऑब्वियसली हम सबको बताया कि ये एज पे आई डोंट थिंक सो, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि भाई सुनील छेत्री सर एक नया चैलेंज पाएंगे। यस ऑब्वियसली ही इज हंग्री टू स्कोर गोल्स एट डिफरेंट लेवल्स, बट यार 39 ईयर ओल्ड ये पॉइंट आप चाहते हो कि एक प्लेयर एंजॉय करे बिकॉज लास्ट है, देखो एक लास्ट एक या दो साल है। तो मेरे हिसाब से ये एक रीजन हो सकता है, ये मेरा सिर्फ गैस है कि 39 ईयर ओल्ड हो चुके हैं एंड मतलब ज्यादा फुटबॉल बचा नहीं, ठीक है, एक या दो साल। तो मेरे हिसाब से उन्होंने ये कंसिडरेशन लिया रहेगा कि भाई चलो ठीक है, ये दो साल मैं बेंगलुरु FC में बिताता हूँ, इंडिया में बिताता हूँ एंड आई जस्ट एंजॉय द फुटबॉल एंड जो भी मेरे यंग टैलेंट्स है, ठीक है, उनको मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एंड उनको अच्छे से आइडियाज वगैरह दूंगा। तो मेरे को लगता है कि इसलिए शायद से वापस ज्वाइन नहीं किया, बट ये दिखाता है कि भाई लालिगा क्लब हमने जो 39 ईयर ओल्ड है कैप्टन लीडर लेजेंड उनको चाह रहे, तो अवर सर इज स्टिल इन डिमांड, ये दिखाता है हमारा क्वालिटी ऑफ सुनील छेत्री सर। अब बात करेंगे जो बेंगलुरु FC के रिलेटेड ही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बेंगलुरु FC की जो यूथ टीम है इन्होंने खतरनाक कर दिया था। आप सबको पता है कि जो इनविंसिबल आर्सेनल थी जिन्होंने प्रीमियर लीग जीता था, तो वैसे यहाँ पर BDFA सुपर डिविजन लीग जो यूथ फुटबॉल रहता है तो वहां पर बेंगलुरु FC की जो यूथ टीम है उन्होंने ये इनविंसिबल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कुल 17 मैचेस खेले, उसमें से 16 मैचेस उन्होंने जीते एंड एक मैच सिर्फ ड्रॉ किया था और इसी के साथ वो इनविंसिबल चैंपियंस बन चुके थे। एंड अगर आप देखोगे यस क्रेडिट जाता है यंग बॉयज को जो भी यूथ है, बट उनके कोच कौन थे भाई, बिबियाना फर्नांडिस। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मर इंडिया अंडर 17 कोच बिबियाना फर्नांडिस, उनको क्रेडिट भी जाता है बिकॉज उन्होंने भी काम किया। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू BDFA। एंड अगर आप देखोगे बेंगलुरु FC है इनकी जो यूथ टीम से इज वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज आप देखोगे कि बेंगलुरु FC ज्यादा करके काम करती है कर्नाटका जो है वहां पर यूथ फुटबॉल बहुत ही एक बोलते हैं स्विंग में चल रहा है। सो इसका रिजल्ट देखने मिला एंड कॉन्ग्रेचुलेशन भाई यूथ
यू हैव डन इनक्रेडिबल भाई, इनक्रेडिबल अचीवमेंट, इनविंसिबल जाना, दैट्स अ ह्यूज ह्यूज अचीवमेंट। होपफुली इसको आगे देख के मतलब इसको आगे लेके जा सके एंड और इंप्रूव हो सके। तो भाई यस यार, इसी के साथ ये वाली वीडियो एंड करते हैं एंड आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड जो तीनों टॉपिक्स के ऊपर आपने हम लोगों ने बात की, डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन आपके क्या थॉट्स है एंड आपका क्या डिसीजन, मतलब आपका क्या थॉट है कि भाई सुनील छेत्री सर ने रिजेक्ट कर लिया ला लीगा क्लब, क्या लगता है आपको जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।